ये सिंपल इंटरफेसिंग है डीसी मोटर का आर्डुइनो के साथ विथ हेल्प ऑफ L293D मोटर ड्राइवर मॉड्यूल। तो आप देख सकते हैं ये एक सेकंड के डिले पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है फॉर 1 सेकंड डिले। तो हम अब इसके प्रोग्राम को समझेंगे। ये प्रोग्राम सिंपल ही है, आपको L293D का प्रॉपर कनेक्शंस विथ पिन कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होता है आर्डुइनो के साथ इसके लिए। तो प्रोग्राम में देख रहे हैं कि हमने इनिशियलाइज किया है पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM को आर्डुइनो की 2 नंबर की पिन के साथ, और input 1 एंड input 2 वो आर्डुइनो के 8 और 9 नंबर के पिन से कनेक्टेड है जो डिजिटल पिन है। और आप देख रहे हैं कि पिन बोर्ड पल्स विथ मॉड्यूलेशन का input 1 एंड input 2 का आउटपुट सेट किया है। तो अब इसके बाद अगर प्रोग्राम को देखें तो लूप में हमने एक कंडीशन रखी है, सिंपली लूप में एक डिफाइन किया है input 1 और input 2 को हाई और लो। तो इसका मतलब क्या है कि डिजिटल राइट हमने जो किया है input 1 के साथ वो हाई है, वो क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए यूज करेंगे, और डिजिटल राइट input 2 L293D का है उसको लो लॉजिक किया है, मतलब वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन करेगा। तो आप पहले L293D का पिन कॉन्फ़िगरेशन देख लेना गूगल पे जाकर सिंपली, और आप देख रहे हैं एनालॉग राइट, जो एनालॉग राइट होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन 255 है, ये ड्यूटी साइकिल है एक्चुअली। आप देख सकते हैं इधर Arduino.cc में आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, डिजिटल के लिए आप यूज कर सकते हैं 0 to 255 का ड्यूटी साइकिल, जो आप इधर देख रहे हैं एनालॉग राइट 0, 64, 127, 191 एंड 255, ये 100% ड्यूटी साइकिल मिलते हैं जो ऑलवेज ऑन कंडीशन में रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मोटर 1 सेकंड के लिए एंटी क्लॉक वाइज, 1 सेकंड होल्ड करके क्लॉक वाइज रोटेशन कर रहा है। तो ये ड्यूटी साइकिल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के साथ सेट की गई है, तो आप सिंपली प्रोग्राम के थ्रू इसे समझ सकते हैं। तो ये एक लूप में डिफाइन किया गया है हाई और लो क्लॉक वाइज मोशन एंड एंटी क्लॉक वाइज मोशन के लिए। तो क्लॉक वाइज मोशन में आप देख रहे हो कि 3 सेकंड का डिले सेट है, ओके 3 सेकंड का डिले, इसमें मैंने 1 सेकंड कर लिया है, ओके और ये ब्रेक कंडीशन है जहाँ पे आप देख रहे हो कि मोटर ब्रेक हो रही है बीच में और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो आप इधर देख रहे हो कि ये क्लॉकवाइज का ब्रेक पोजीशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज का ब्रेक पोजीशन ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में सेम पोजीशन होगी। तो जैसे आपने देखा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो रहा है, अगर हम इसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करें, जैसे कि हम 10 सेकंड रोटेशन रखते हैं फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 3 सेकंड का, ओके तो जो होल्डिंग मतलब कि जो ब्रेक हो रहा है उसका डिले सिर्फ 200 मिलीसेकंड का होगा, जो आप देख सकोगे कंपाइल किया और ये हुआ अपलोड। चेंज की जो चेंज ऑफ प्रोग्राम, देखिए 3 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और 3 सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और जो होल्ड यानी ब्रेक का डिले है वो 200 मिली सेकेंड का जनरेट हो रहा है।